नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीक्रेट ड्रीम्स ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ सपने में बारिश देखना का अर्थ, मतलब क्या होता है और ये सपना शुभ होता है कि अशुभ, के बारे में कुछ जानकारी है। सपन शास्त्र के अनुसार सपने में बारिश देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति सपने में बारिश होता देखता है तो यह सपना उसके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि आने वाला समय उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और जो भी परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई थी वो अब सुधरेगा और आने वाला समय आपके लिए उन्नति और मंगल होगा। यदि आपके सपने में आप ऐसा देखते हैं बहुत तेज़ बारिश हो रही है, वो रुक ही नहीं रहा और आप डर रहे हैं, तो ऐसे सपने का अर्थ ये होता है कि आपको कोई बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है और आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अब वो घड़ी आ गई है, अब आपकी परेशानी दूर होगी और जो भी मन में परेशानी हो रही थी वो अब ख़त्म होने का वक्त आ गया है। बस आपको ऐसा करना है कि जब भी आप बारिश का पानी देखें सपने में तो आप निश्चिंत होकर रहिए और जो भी परेशानी है वो अपने जो भी आपके खास है उससे आप बात शेयर कीजिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपकी जितनी भी परेशानी थी वो दूर होगा और हमेशा ही आप खुशी से रहेंगे और आने वाले समय में आपको धन प्राप्ति भी होगा। यदि आपके सपने में आप बहुत ज़्यादा काले बादल देखते हैं, आसमान में काले बादल चारों तरफ छाए हुए हैं, ऐसा लगता है कि दिन में ही अंधेरा सा हो रहा हो, ऐसे देखना का अर्थ ये होता है कि सपन शास्त्र के अनुसार ऐसा सपना देखना थोड़ा बहुत अशुभ माना जाता है। आपको कोई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है या फिर आप कोई कार्य शुरू किया है तो उसमें रुकावटें भी आ सकती है। ऐसा सपने का संकेत होता है जो भी आप नया कार्य करने वाले हैं अर्थात कर रहे हैं तो उसको थोड़ी दिनों के लिए आप रोक दीजिए और आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहे, मंगल रहे, यही हम कामना करते हैं। अब बात करते हैं यदि किसी व्यक्ति को सपने में काले बादल से बारिश होता दिखाई देता है तो इसका अर्थ ये होता है कि ऐसा सपना देखना भी थोड़ा बहुत अशुभ होता है, क्योंकि इसका अर्थ ये होता है कि आपके जो आर्थिक स्थिति थी वो थोड़ा बहुत बिगड़ेगी और आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना है, सोच समझकर ही खर्च करना है और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको कुछ बहुत दिक्कतें देखनी पड़ सकती है। आप सपने में देखते हैं बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अर्थात उस बारिश में आप भीग रहे हैं या किसी और को भीगते हुए ऐसा सपना दिखाई देता है तो इसका अर्थ ये होता है कि जितनी भी आप परेशानियों से गुजर रहे थे वो अब दूर होगा और आने वाले समय में आपको माँ लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगा। यदि आपके सपने में आप ऐसा देखते हैं कि बारिश बहुत धीरे धीरे होती हुई दिखाई देती है तो ऐसा सपने का अर्थ ये होता है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। यदि आपके सपने में आप बारिश में नहाते हुए दिखाई देते हैं अर्थात नहाते हुए खुद को देखते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि आने वाले समय में आपकी जो मनोकामनाएं हैं पूरा होगा और आने वाले समय में आपके सुख समृद्धि बढ़ेगी। यदि आपके सपने में आप ऐसा देखते हैं कि बरसात हो रही है और आपके जो जितने भी पौधे लगाए हैं, अगर किसान हैं आप तो फसल खराब होते ऐसा देखते हैं तो इस सपने का अर्थ ये होता है आपको आने वाले समय में थोड़ा बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और बस आपको धैर्य रख के अब जो भी परेशानी हो रही है उसका सोच समझकर अच्छी तरह से हल कीजिए। आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा, मंगल होगा। यदि आपके सपने में आप ऐसा देखते हैं कि आप बरसात के पानी में खेलते हैं अर्थात बहुत अच्छी तरह से खेलते हुए खुद को दिखाई देते हैं अर्थात खुद को खेलते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि
ऐसा सपना देखना सपन शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि आने वाले समय में आपको धन प्राप्ति होगा और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी और तरक्की होगी। और आपके जीवन में जितनी भी चिंताएं थी, तनाव था, वो सारा दूर होगा और आने वाले समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपके घर परिवार के लिए अच्छा होगा और आप खुशी से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। यदि आपके सपने में आप ऐसा देखते हैं कि बहुत तेज बादल गरज रहा है और बरसात भी हो रही है और उससे आप डर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपको अचानक से धन प्राप्ति होगी और जो भी आपने सोचा नहीं था उस वो वाली खुशी आपको मिलेगी और कहीं से आपको खुशखबरी भी आएगी। यदि आपके सपने में आप ऐसा देखते हैं कि ओले पड़ते हुए दिखाई देता है आपको सपने, तो यह सपना सपन शास्त्र के अनुसार थोड़ा बहुत अशुभ माना जाता है। आने वाले समय में आपको थोड़ा बहुत मुसीबत हो सकती है, कहीं से भी आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो ऑफिस से हो या चाहे घर से, उसको आप सोच कर समझ कर आसानी से हल करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करेंगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि आपके सपने में आपको ऐसा दिखाई देता है कि बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और वो सारा बारिश का पानी जो है आपके घर के अंदर घुस रहा है, ऐसा आपको दिखाई देता है, तो यह सपना बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि आने वाले समय में आपको तंगी देखनी पड़ सकती है और आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। इसीलिए आपको कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोच समझ कर ही इन्वेस्ट कीजिए और फिजूल खर्ची से बचे। और इस सपने का दूसरा अर्थ ये भी होता है कि आपके घर परिवार में कोई ना कोई बीमार हो सकता है, अर्थात स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती हैं, इसीलिए अपना ख्याल रखें, अपने घर परिवार का भी ख्याल रखें। आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहे, बस यही कामना करते हैं। यदि आप ऐसा देखते हैं बारिश हो रही है और धूप भी लगा हुआ है, अर्थात धूप भी निकला हुआ है और आप इंद्रधनुष भी दिखाई देता है, ऐसा सपना किसी को ही दिखाई देता है, तो यदि ऐसा सपना देखना अगर आपको दिखाई देता है तो यह सपना आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि यह सपना जिसको भी आता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसा सपना देखने का अर्थ ये होता है कि आपको तरक्की मिलेगी, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो उसमें आपको तरक्की मिलेगी और घर परिवार में भी खुशी से रहेंगे, सुख शांति का वातावरण होगा और जो भी आपने सोचा है वो सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। और आप तंगी से चल रहे हैं तो वो आर्थिक तंगी भी खत्म होगा और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यदि आपके सपने में आपको ऐसा दिखाई देता है कि खुद आप बारिश के पानी में निकले हैं, छाता ओढ़ कर आप खड़े हैं, आप बिल्कुल भी भीग नहीं रहे और बाकी सारे लोग भीग रहे हैं, ऐसा आपको दिखाई देता है, तो यह सपना ये बताता है कि आने वाला समय में आपको थोड़ा बहुत परेशानी आ सकती है, लेकिन आप उससे बाहर निकल पाएंगे, अपनी सोच समझ के कारण आप उसको अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं, ऐसा सपने का अर्थ होता है। यदि आपको सपने में ऐसा दिखाई देता है कि आप बारिश के पानी में आप बच के भागते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और उससे आप बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, तो ये मौका आपके लिए बहुत ही अच्छा है उस परेशानियों से निकलने के लिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और मंगल होगा। ये थी आज की हमारी जानकारी कि बारिश के पानी में भीगना, नहाना या बारिश के पानी में हम छाता लेकर खड़े देखना का अर्थ मतलब सपन शास्त्र के अनुसार कैसा होता है के बारे में कुछ जानकारी। आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप सभी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।